हाय दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल आस्था LLB पे। और आज मैं आपको बहुत ही ज़रूरी टिप्स देने जा रही हूँ जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे कि आप सभी को पता है, गर्मा गर्म गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दी का मौसम ख़त्म हो चुका है और गर्मी ने दस्तक दे दी है। गर्मी के मौसम में आपकी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट का ख्याल रखना। इस मौसम में अगर आप ठीक से डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। और गर्मी के मौसम में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में अपने दिन की शुरुआत आप एक गिलास पानी पीने के साथ करें। सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करें जिससे आपके शरीर में लंबे समय तक एनर्जी बनी रहे, और ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर चीज़ें लेते रहें। साथ ही फ्रूट्स, छाछ, दूध, दही, अंडा, सैलेड को शामिल करें। खाने में उन चीज़ों को शामिल करें जिससे आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। दिन की शुरुआत कभी भूखे पेट नहीं करनी चाहिए, वरना आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। अपने पूरे खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए और ऐसा खाना खाना चाहिए जो शरीर को ठंडा करे, यानी कि एप्रिकॉट में बीटा कैरोटीन होता है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये कैंसर और हृदय रोगों की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा है। इसे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे स्किन ऑयली नहीं होती। गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए छाछ बहुत ही अच्छी होती है। इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो कि स्किन मिल्क से ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। ये शरीर में चुस्ती लाता है। इसे खाने के बाद लिया जाता है क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। इसमें अधिक मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम और जिंक होता है। और गर्मियों में नारियल पानी पीना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये गर्मियों के लिए सबसे बेहतर है। इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम पाया जाता है। कॉर्न यानी भुट्टे में विटामिन सी, मैग्नीशियम, फास्फोरस और फोलेट पाया जाता है। इसमें फाइबर भी होता है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गर्मियों में खाया जाने वाला खीरा। खीरे को गर्मियों के लिए बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये ऑयली स्किन को ठीक करता है। और खीरा गर्मियों में होने वाले गैस, एसिडिटी, सीने में जलन आदि समस्याओं को भी दूर कर देता है। कटहल, कटहल गर्मियों में खूब पाया जाता है और ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार होता है। कीवी, कीवी में विटामिन B1, B2, B3, विटामिन सी और विटामिन के मिलता है। ये हार्ट, दांत, किडनी और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ये हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। आम तो सभी को पसंद होते हैं और बहुत सबको ये पसंद आते हैं और गर्मियों में खूब मिलता है। इसे भरपूर मात्रा में विटामिन सी और आयरन पाया जाता है। ये प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए बहुत अच्छा है। तरबूज गर्मियों में शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। गर्मियों के मौसम में इसका अधिक से अधिक सेवन शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम और विटामिन बी पाया जाता है। योगर्ट, योगर्ट में प्रोटीन की मात्रा अधिक और वसा कम होता है। ये आपको वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करेगा, ये आपके डाइजेशन को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फ्रेंड्स, गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खुद को इस भयंकर गर्मी से बचाए रखने की। गर्म हवाओं के साथ मौसम में बदलाव का सबसे ज़्यादा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है, जिससे कि कब्ज, अपच, उल्टियाँ इस मौसम में आम बात होती हैं। लेकिन इन सब से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद पर थोड़ा सा ध्यान देकर और अपनी डाइट प्लान में बदलाव लाकर इन गर्मियों में कूल और फिट रह सकते हैं। तो लंच और डिनर में क्या लेना चाहिए? लंच में इस मौसम में उपलब्ध सब्जियों के साथ मूंग की दाल, चपाती ली जा सकती है। साथ ही पेट भरकर सैलेड और दही को अपनी थाली में जरूर शामिल करें। पत्ता गोभी, सीताफल, तोरई, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप हरी से हरी सब्जियों का सेवन कीजिए। अगर पुदीने की चटनी हो तो और भी अच्छा रहेगा। और तली भुनी चीज़ों से, जंक फूड से, फास्ट फूड से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा।
फलों से फ्रेंडशिप कर लीजिए, तरबूज में 19% तक पानी होता है, साथ में ढेर सारा पोटेशियम और फाइबर भी होता है। फलों का राजा आम केला शरीर को ठंडक पहुंचाने में भी सहायक होते हैं। सेब संतरा मौसमी माल्टा विटामिन सी से भरपूर है, जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ ही एंटी एजिंग की प्रॉब्लम से भी दूर रखते हैं। ऑयल फ्री खाना खाइए, ब्रेकफास्ट में पराठे आदि से आप परहेज कीजिए, उन्हें अवॉइड कीजिए। उसकी जगह आप पोहा ढोकला इडली उपमा ओट्स कॉर्नफ्लेक्स वेज सैंडविच खाना एक अच्छा ऑप्शन है। लिक्विड लेते रहिए, पानी आपको कम से कम दिन में 10-15 ग्लास पानी ज़रूर पीना है। कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए। नींबू पानी, नींबू पानी में चाहे चीनी डालें या ना डालें, हर तरीके से इसको पीना फ़ायदेमंद होता है, बट आप शुगर फ्री पियेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नारियल पानी, नारियल पानी गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा ड्रिंक है, प्रोटीन और पोटेशियम का अच्छा सोर्स है, अल्सर में भी ये बहुत हेल्प करता है। छाछ मट्ठा जिसे बोलते हैं, काला नमक और पिसा हुआ भूरा जीरा मिलाकर आप इसे पी सकते हैं, ये बॉडी के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स की पूर्ति हो जाती है और आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चंदन खसखस का शरबत वेजिटेबल जूस सत्तू का शरबत आदि चीज़ें आप लेते रहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि गर्मियों में किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, घी और तेल। गर्मियों में जितना कम ऑयल आप यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा है। देसी घी वनस्पति घी रिफाइंड ऑयल सरसों का तेल ऑलिव ऑयल गर्म होते हैं, नारियल सोयाबीन और कैनोला आदि का तेल आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट चाट जंक फूड चाय कॉफ़ी आप कम पिए, इनसे बॉडी डिहाइड्रेट होती है। ग्रीन टी पीना बहुत अच्छा है, मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई थी ग्रीन टी के ऊपर कि ग्रीन टी पीने से क्या फ़ायदे होते हैं, आप वो देख लीजिएगा। और गर्मियों में 5-10 बादाम रोज़ाना खा सकते हैं, वो भी रात में भिगोए हुए। शहद गर्म होता है इसलिए संभल कर खाइए, और बासी खाना खाने से बचें, उनमें जीवाणु के पनपने का खतरा ज़्यादा होता है और आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि आप खाना खाने के बाद वॉक पर ज़रूर जाएं और लेट नाइट डिनर करने से बचें, और एकदम से खूब सारा खाना ना खाएं, दिन में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए, एक्सरसाइज कीजिए योग कीजिए, डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा। और ये सारे टिप्स आप यूज़ करके इन गर्मियों में अपने आप को कूल फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे हेल्थ के कुछ टिप्स एंड गर्मियों में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एंड वंस अगेन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच।